और मेरे मित्रों जय मां शारदे, आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस को क्या क्या सामान खरीदना चाहिए और क्या सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है वो धनतेरस की जो तिथि है वो 10 नवंबर को 2023 में इस बार मनाई जाएगी। इसका जो तेरस को हम धनवंती दिवस भी कहते हैं क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत से भरा एक कलश को निकाला गया था, तभी से हम धनतेरस में बर्तन खरीदने की परंपरा है और धनतेरस को हम धनवंतरी जयंती के नाम से भी जानते हैं। धनतेरस के कुछ नियम हैं। नियम का ये है कि धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में मनाई जाती है और इस दिन हम सूर्य तिथि से इसकी शुरुआत की जाती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद ही धनतेरस की शुरुआत की जाती है। क्या किया जाता है कि शाम को पूजा करने का विधान है। घर में अगर है तो घर की पूजा करते हैं और नहीं तो अगर दुकान है, व्यापार है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ की पूजा करते हैं। धनतेरस में हम धनवंतरी देवी और शोण शोपचार पूजा का विधान है। इसकी पूजा हम 16 क्रियाओं से संपन्न करते हैं। इसमें हम आसन, पधा, अर्ध, आचवन, सुगंधित जल, स्नान, वस्त्र, वस्तुए, आभूषण, केशर, पुष्प, धूप, दीप, नवेदम, आचवन, दक्षिणा मुख, तांबुल, आरती और परिक्रमा सब की जाती है। धनतेरस के दिन पीतल और चांदी के बर्तन को खरीदने की या फिर कोई धातु की खरीदने की परंपरा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में आपके धन समृद्धि बढ़ती है, तो इसीलिए हम इसे त्रयोदशी धनतेरस की कहते हैं। धनतेरस पड़ रहा है वो धनतेरस 10 नवंबर को पूरे भारतवर्ष 2023 में मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व क्या होता है कि दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। अब हम बताएंगे कि धनतेरस को हमें क्या खरीदना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन हमें नई वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, तो उसे हमें जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा अगर आप धनतेरस में धनिया, हल्दी और नमक खरीदते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। झाड़ू इस दिन अवश्य खरीदें क्योंकि झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की पूजा विधि क्या है? धनतेरस को क्या होता है कि धनवंतरी देव और शोण शोप चार विधि पूजा की जाती है। इसके शाम के मुख्य द्वार के आंगन में हम 13 दीपक बाहर जलाते हैं और 13 दीपक अंदर की तरफ जलाते हैं और कहा जाता है कि इस शाम के समय में यम देवता के नाम का भी एक दीपक जलाया जाता है। और पहले धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को हम धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। फूल और झाड़ू जरूर खरीदनी है, झाड़ू खरीदे और झाड़ू को आपको लगाना भी चाहिए, उस दिन ही लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? दिन झाड़ू खरीदने की बहुत ज्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदे। धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए? कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप विषम संख्या में झाड़ू खरीदें, जैसे 1 खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं और 5 खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है। अब धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन कोशिश करेंगे कि हम प्लास्टिक की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। कहा जाता है कि वस्तुएं टूट जाती हैं। कांच और चीनी मिट्टी और लोहे का भी कोई सामान हमें नहीं खरीदना है। और धनतेरस के दिन आपको तेल भी नहीं खरीदना है। अगर आप तेल लगाना चढ़ाना चाहते हैं भगवान को या फिर दीपक में तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप धनतेरस से पहले ही तेल को खरीद लेंगे। किसी भी प्रकार का तेल, चाहे कड़वा हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे
रिफाइंड ऑयल हो, आपको कुछ नहीं खरीदना है। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां शारदे जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।